साइड में आ जाए चाबी आ लगे बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोड्स बना दें, इसलिए रोड्स बनवाने बहुत ज़रूरी है, इससे कि लोग किस तरीके से आएंगे। जगह बहुत खूबसूरत है, तो सिर्फ जीप ही अंदर जा सकती है, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। ये जीप है आप देखें, ये यहाँ पे रेंट पे जीपें मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं अदरुनी सिंह जा रहा हूँ बिजनेस टूर पर, और एक मज़ार पे हाजिरी भी है और थोड़ा घूमेंगे भी, तो मेरा व्लॉग एंड तक देखिएगा, मेरे साथ रहिएगा। Later. इस होटल में हम उतरते हैं तो यहाँ रूम नहीं मिले, होटल फुल है। एक ही किसी पार्टी ने जो है उसको मतलब बुक करवा लिए। अब अंदर गली में जा रहे हैं जहाँ होटल का मैं बताया है, तो देखते हैं कि वो कैसी होटल है। ये होटल है जो हमने एक रूम ले लिया यहाँ पे, और काफ़ी लोग पूरे सिंध से और कराची शहर में यहाँ पे मज़ार के हवाले से, तो यहाँ पे रूम हम ले चुके हैं। मज़ार पर हाजिरी के लिए जा रहे हैं और बहुत रौनक है और बहुत रश है यहाँ पे, होटल भी सारे फुल हैं। हमें बहुत मुश्किल से कमरे मिले। तो ये बाहर इनकी मार्केट है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर साहब के मज़ार के बाहर बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। ये ड्राई फ्रूट है, देखिए हम ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी दुकान है। ये होटल है, यहाँ पर जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं। काफ़ी कदीमी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। मज़ार के पास आ गए हैं माशाल्लाह, ये देखें बाहर से कितने खूबसूरत मनाजिर हैं इनके मज़ार के, और ये मेन इनका मज़ार है, रोज़ा है इनका, और ये पूरी मार्केट है, ये पूरी मार्केट है यहाँ की। यहाँ पे चादर वाले हैं और दीगर आइटम्स यहाँ पे बहुत बिक रही हैं। देखें आप ये मेवा जात, यहाँ पे बहुत बड़ी शॉप है मज़ार में। यहाँ से एंटर हो रहे हैं और ये मेन एंट्री है मज़ार की। तो इससे एंटर हो रहे हैं और हाजिर देंगे इंशाल्लाह। आज भी रश बहुत ज़्यादा है मज़ार पे, काफ़ी पब्लिक आई हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह सब बहुत इज्जत करते हैं, अलग अलग लाखों करोड़ों एहसान है कि रिस्पेक्ट है, अलग हमें इज्जत दी है। मेन मज़ार है इनका, मेन रोज़ा है हज़रत लाल शहबाज कलंदर साहब का, और अल्लाह का लाखों करोड़ एहसान का हमारी यहाँ हाजिरी हुई।
मज़ार पर हाजिरी दे दी है और अब खाना खाने जा रहे हैं। इससे कि 4-4.5 घंटे लग गए हमें कराची से सेवन शरीफ आने में और अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। जी पहुंच गए हैं सेवन डिवाइन रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। ये पहले सेवन रेस्टोरेंट हुआ करता था और उसका अभी नाम चेंज हुआ है, तो अंदर देखते हैं कि खाना कैसा है, उसका जायका कैसा है। जी खाना खाकर बाहर आ गया और माशाल्लाह यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। मैं जब भी आता हूँ सेवन शरीफ तो मैं खाना यहीं का खाता हूँ। अब जाते हैं होटल। A few minutes later, हम खाना खा के वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ पे काफी लोग जमा है और सर्दी भी है यहाँ पे सेवन शरीफ में, तो लोग यहाँ पे जमा है, आग भी जलाई हुई और डांस भी कर रहे हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। Six and a half hours later. गुड मॉर्निंग, उठ गए और सुबह का नाश्ता करेंगे और अभी जा रहे हैं गोरख हिल, जो एक पॉइंट है घूमने का। यहाँ पे कुछ काम था तो वो भी काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह और अब जा रहे हैं गोरख हिल। हम निकल चुके हैं और आधा घंटा हो चुका है, अभी भी जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाकी हैं, अभी रास्ते में है। और यहाँ का व्यू अच्छा लगा मुझे तो मैंने गाड़ी रोक ली और मैंने कहा व्लॉग थोड़ा सा यहाँ पे भी बनाऊं तो आपको भी दिखाऊं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का और कितनी खूबसूरती माशाल्लाह से। ये रोड आप देखें, नए रोड अभी बनाए गए हैं सेवन शरीफ से और ये व्यू आप देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। गोरा हिल्स के रास्ते पे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरती है माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है और यहाँ थोड़ी ठंड है। ये देखिए आप पहाड़ के मनाजिर माशाल्लाह कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरती है। हमारे सिंध में ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि हमें यहाँ आना चाहिए घूमने के लिए। गोरा के लिए हम पहुंच गए और गाड़ी आधे रास्ते तक पहुंच सकी, इसके बाद हमें जो जीप करवानी पड़ी, इसलिए जीप यहाँ जरूरी होती है। रोड बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर यहाँ के कोई व्यूवर्स देख रहे हैं गोरा खिल के और यहाँ की हुकूमत के कोई लोग अगर देख रहे हैं मुझे, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोड्स बनाने से रोड्स बनवाने बहुत ज़रूरी है, इससे कि लोग किस तरीके से आएंगे। जगह बहुत खूबसूरत है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कैंप्स वगैरह, यहाँ कैंप्स से भी स्टे कर सकते हैं कैंप से, इस पे स्टे कर सकते हैं रात में और खाना वगैरह भी हमें खा सकते हैं। ये रेस्टोरेंट है यहाँ का और यहाँ के मनाजिर देखें हम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अभी शाम के 1:45 हो रहे हैं और मगरिब का टाइम भी होने वाले, खूबसूरती देखें आप। रूम देखने जा रहे हैं, ये होटल अलग से बना हुआ है, यहाँ पे रूम्स हैं सारे, तो वो चेक करने के लिए जा रहा हूँ कि कैसे हैं। ये देखें आप माशाल्लाह खूबसूरती बहुत है यहाँ पे,
खूबसूरती माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। और अब जा रहे खाना खाने के लिए। खाना आ चुका है रात का और अब खाते हैं खाना। A few hours later. ये रात के मनाज़िर हैं यहाँ के। रात में लाइटिंग हुई भी है और अभी इतने लोग नहीं है, दो तीन ही गाड़ी है। ये खेमे में आपको दिखाया था, तो खेमे लाइटिंग है यहाँ पे, यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह हवा चल रही है और सर्दी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। अभी बॉनफायर का भी इंतजाम किया है और बॉनफायर हमारे लिए तैयार हो गई है। काफी ऊंचाई पे ही, इसे सर्दी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ से बैठेंगे और एंजॉय करेंगे बॉनफायर में। गुड मॉर्निंग, सुबह उठ गया था और रेडी हो गया हूँ और अब नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद जो है इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे सेवन शरीफ सोते हुए कराची के लिए। और अभी सर्दी भी है इसलिए कि धूप तो है माशाल्लाह, लेकिन सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप, धूप भी हो रही है, यहाँ खूबसूरती माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, सुकून है। सामने ये रेस्टोरेंट है, अभी यहाँ जाएंगे नाश्ते के लिए और नाश्ता करेंगे। A few minutes later. नाश्ता कर लिया है और अब निकलना है सेवन से इंशाल्लाह कराची की तरफ। लेकिन मैं एक एडवाइस दूंगा कि जो भी गुरेज आना चाहते हैं तो वो आधे रास्ते में जीप मिलती है, जीप करवाएं, आम गाड़ी नहीं आ सकती, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। वाई पांजी हम लोग पहुंच गए हैं। वाई पांजी एक जगह है, पेट्रोल पंप है, जो सेवन शरीफ से अगर आप आते हैं तो डेढ़ से दो घंटे के मतलब रास्ते में आपको आएगा। और यहाँ से जो है वो जीपे होती हैं, लोग जीपे करवाते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं हिल की तरफ, इसलिए कि आगे रोड बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बल्कि आठ आठ दस दस फीट तक तो रोड टूटे हुए हैं, नज़र ही नहीं आ रहे, तो सिर्फ जीप ही अंदर जा सकती, गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। अब यहाँ से हम जा रहे हैं कराची की तरफ। ये जीपें आप देखें, ये यहाँ पे रेंट पे जीपे मिल जाती हैं, वाई पांजी कहलाता है ये, आप नोट कर सकते हैं वाई पांजी। जब भी आपका आना हो तो इधर आप जीपे जो है वो यहाँ से ले सकते हैं रेंट पे, गाड़ी आपकी यहीं पे पार्क होगी पेट्रोल पंप पे। घर आ गया हूँ और छह से सात घंटे की ड्राइव कंटिन्यू की है, बहुत ज्यादा थकन लगी है, सोने की तैयारी कर रहा हूँ। अपने व्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।